वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ कराया था, तो यज्ञ में जो खीर थी, सॉरी पानी था, मतलब जो अभिमंत्रित जल था, वो जल पीना था पत्नी को, पर धोखे से पी लिया मानधाता ने। तो अब वो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था और उस यज्ञ को करने वाले श्री वशिष्ठ जी थे, अब कोई अरे गहरे थे नहीं। अब वशिष्ठ जी यज्ञ करें और उसका फल ना मिले तो खीर पी गए राजा। अब राजा पी गए तो राजा गर्भवता हो गए। क्या हो गए? गर्भवता हो गए। स्त्री होती तो गर्भवती कहा जाता, राजा गर्भवता हो गए। अब इनके पेट में बच्चा, अब क्या करें, क्या करें महाराज? तब पेट फाड़ करके वशिष्ठ जी ने बच्चा निकाला और ठीक किया, जिंदा रहा, जच्चा बच्चा दोनों जिंदा रहे। और नारद जी भगवान के अवतार हैं, नारद जी ने उन्हें दुग्ध पान कराया, दूध पिलाया, अपनी उंगली उनके मुंह पे दी और उससे उनकी पुष्टि हुई, उन्हें वह मिली जिससे उनका जीवन बच जाए। तो नारद जी उन्हें जीवित रखा। मतलब वशिष्ठ जी इतने सामान्य नहीं, साधारण ही, असाधारण है श्री वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति पुत्र पराशर, पराशर पुत्र श्री वेद व्यास जी, वेद व्यास जी इन्हीं के वंश से हैं और वेद व्यास जी से सुखदेव भगवान, ये वो परंपरा, व्यास जी साक्षात भगवान है, जिनके वंश में भगवान का अवतार हुआ वो वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी कौन? माता, माता अरुंधति। दशरथ जी को संतान नहीं थी, वशिष्ठ जी ने ही यज्ञ करा के संतान प्राप्त। थोड़ा आगे आना, ऐसे वशिष्ठ क्या कहें स्वामी श्री वशिष्ठ जी के बारे में। चलो एक बार आखिरी बात बताते हैं श्री वशिष्ठ जी की आपको। एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के कुटिया पर गए, तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। और जब वशिष्ठ जी जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को 1000 वर्ष की अपनी तपस्या का फल दिया। मैंने 1000 वर्ष तक जो तपस्या की है उस तपस्या का फल विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी को दिया। हमारे घर अतिथि आए हैं तो देंगे ना, तो दिया। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न, चलो 1000 वर्ष की तपस्या का फल मिला। कुछ दिन बाद वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी आए, तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी जब हम आपके घर आए थे तब आपने हमें 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया था, पर हम तो आपको अभी, हमने सत्संग किया आपके आने के पहले, हमारा सत्संग चल रहा था, तो सत्संग में 1 घड़ी मतलब 24 मिनट के सत्संग का फल हम आपको देंगे। कितने मिनट का बोल दो? 24 मिनट सत्संग जो हमने किया है, हमने सत्संग तो किया 2.5 घंटा, लेकिन उसमें से हम आपको 24 मिनट के 1 घड़ी के सत्संग का फल हम आपको दे रहे हैं। तो विश्वामित्र जी टेढ़े हो गए, अरे बताओ हमारा अपमान कर रहे हैं आप, क्यों? हमने आपको 1000 वर्षों की तपस्या का फल दिया और आप हमें 24 मिनट के सत्संग का फल दे रहे, कोई बात होती है? वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आप सत्संग को हल्के में ले रहे हैं, सत्संग का फल आपकी तपस्या से बड़ा है। विश्वामित्र जी बोले, ना हम आपकी बात से सहमत नहीं, आपने हमारा अपमान किया। वशिष्ठ जी ने कहा, ना महाराज आप हमारे अतिथि, हमने आपका अपमान नहीं किया, हम आपको ज्यादा दे रहे हैं, कैसे मान लें ज्यादा है? अब कौन न्याय करे, दोनों महापुरुष हैं, कोई कम नहीं है, अब दोनों का निर्णय कौन करे? बोले चलो तुम सही हो गए, हम सही हैं, चलो कौन निर्णय करे? तो दोनों गए शेष भगवान के पास, शेष नंद भगवान के पास, श्री लक्ष्मण जी के पास, शेष नंद भगवान के पास गए। दोनों ने कहा, महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, हमने इन्हें 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया है और इन्होंने हमें 24 मिनट सत्संग का फल दिया। तो शेष भगवान बोले, सुनो अभी हमारे सिर पर पृथ्वी है, थोड़ा तुम, विश्वामित्र जी आपने पहले इन्हें दिया है इसलिए थोड़ी देर के लिए पृथ्वी आप संभालो, फिर हम आपका निर्णय करते हैं।
ये पृथ्वी संभालो। विश्वामित्र जी बोले लाओ। जैसे ही विश्वामित्र जी ने पृथ्वी ली तो ली क्या, वो तो गिरने लगे। प्रभु बचाओ, बच पकड़ो, गिर जाएगी ये पृथ्वी का भार, हमसे नहीं संभल रहा। पल भर भी विश्वामित्र जी पृथ्वी संभाल ना पाए, पृथ्वी का भार ना संभाल पाए। फिर वशिष्ठ जी को दिया गया तो वशिष्ठ जी ने अपने सिर में पृथ्वी ऐसे रख ली जैसे आपके सिर पर कोई पुष्प रख दे, रखी रही। और वशिष्ठ जी महाराज चुपचाप खड़े रहे। अब विश्वामित्र जी बोले शेष भगवान जल्दी न्याय करो। शेष भगवान बोले न्याय क्या करें, न्याय तो हो गया। बोले कैसे हो गया? बोले आपने, आपके पास हजारों वर्ष की तपस्या का फल है, फिर भी आपने पृथ्वी को जरा देर थाम ना पाए। और वशिष्ठ जी के पास